नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव का शोर अब चरम पर है। मतदान में लगभग एक हफ्ते का समय शेष है और शहर के कुछ वार्ड ऐसे हैं जिन पर कि पूरे शहर के लोगों की नज़रें लगी हुई है। ऐसा ही एक वार्ड है 42, यहाँ से पूर्व सभासद वीरेंद्र कुमार मुन्ना और उनकी पत्नी संगीता, लगातार वो 6 बार सभासद का चुनाव उन्होंने जीता। पहले वो कृष्णापुर की तरफ से सभासद बनते रहे और एक समय तो ऐसा आया कि दोनों पति पत्नी सभासद रहे एक ही बोर्ड में। इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं वीरेंद्र मुन्ना जी के बेटे शिवम। तो शिवम, किस तरीके का चुनाव आप देख रहे हैं अभी? मैं बहुत अच्छा चुनाव देख रहा जी, सब लोग वर्गों का प्रेम मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा, बड़े बुजुर्ग मुझे चुनाव लड़ा रहे बहुत अच्छे तरीके से और मेहनत कर रहे हम पूरी जितनी हो सके। तो मतदाताओं के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? कैंडिडेट तो और भी हैं। बहुत प्यार मिल रहा जी, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा प्यार मिल रहा। लोग बाग खड़े होकर मुझे चुनाव लड़ा रहे। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 4 तारीख को आपके वार्ड के लोग किस तरीके का परिणाम देने जा रहे हैं अपने वोट के जरिए? प्यार दे रहे जी, सम्मान दे रहे और भारी मतों से विजय दिलाने की कोशिश कर रहे जी पूरे लोग बाग। पूरे शहर में शायद एकमात्र कैंडिडेट होंगे जिनका जिस रोज नॉमिनेशन हुआ उस रोज इन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी इन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बावजूद उसके ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में है, किस तरीके का माहौल इस वार्ड में है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं हम उनके साथ भी चर्चा करेंगे। शहर के जाने माने ठेकेदार विजय भाई, डब्बू भाई के नाम से इन्हें जानते हैं, तो डब्बू भाई, किस तरीके का माहौल इस वार्ड में है? इस वार्ड में बहुत अच्छा माहौल है, पूरे वार्ड से हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं सब चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जिम्मेदार चुनाव लड़ा रहे हैं। जो सामने वाला कैंडिडेट है उसके साथ सब बाहरी आदमी आके चुनाव लड़वा रहे और इस वार्ड में सब जिम्मेदार हैं और चुनाव बहुत अच्छा चुनाव है और बहुत अच्छे तरीके से जीतेंगे। और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे। अंकल जी, क्या शुभ नाम है? जीत सिंह प्रधान। कैसा माहौल है इस वार्ड में? एक तरफा है वो, तो दूसरे को थप्पा या लड़ रहा, हाँ जब कोई तैयार नहीं था यहाँ शिवम के सामने, हाँ थप्पे हुए कैंडिडेट हैं इनके सामने, हाँ सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। इस सभी की जबान पर यह है कि ये शिवम के पापा और संगीता जी के पति का जो अकस्मात निधन हुआ था, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ इस क्षेत्र की व अन्य क्षेत्रों की सेवा करते आए थे लगभग 28 साल से, सब लोग कह रहे हैं कि इसको जिताना, शिवम को जिताना ही वीरेंद्र मुन्ना को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, देना होगी, इसलिए लोग बहुत भावुक तरीके से इसकी मदद कर रहे हैं और सभी एकमत हैं। मातृशक्ति में भी बहुत अच्छी बातें चल रही हैं और बुजुर्ग लोग तो यहाँ आते जाते बैठते ही हैं, प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी उम्मीद है। आपका शुभ नाम भाई? प्रमोद पवार नाम। पवार साहब, ऐसा माहौल मान लो आप, हम भी देखते हैं रोज यहाँ पे बड़ी संख्या में आप लोग इनका समर्थन करने के लिए आते हैं, इनके चुनाव प्रचार में भी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, तो ऐसा माहौल क्यों देखने के लिए मिल रहा है इस वार्ड? यहाँ माहौल इसलिए मिल रहा जी, एक तो इनका काम, 3-4 योजनाएं होगी, इनके पापा थे उन्होंने भी जो काम किया इसके लिए क्षेत्र के वार्ड के लिए, और उसके बाद में जो उनसे भी अच्छा काम, जो उम्मीद लोग करते थे उससे भी वेरी बेस्ट इसने अपने हक अदा किए काम के लिए लोगों के लिए। और मेरा मानना है, ज़्यादा कहने की भी बताने की जरूरत नहीं, आपको भी पता लग रहा है, रोज़ यहाँ कोई भी निर्दलीय होने के नाते पार्टी बेस भी नहीं मान रहे इसको, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सपा वाले भी, मान लो जैसा अभी आपने बताया हरेंद्र मलिक जी भी, लोकदल वाले भी, अन्य पार्टी के भी, ये निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद भी सबका लाडला है, इसे जिता के बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। तो चुनाव है या वोटों का अंतर ही बढ़ा रहे हो जी? नहीं, ये चुनाव, बताइए पहले। मेरा नाम क्षितिज पाल है और ये 80-20 का चुनाव है, 80% जो है सीएम के पास, 20% शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये काम बोलता है इस वार्ड में, पिछले 35 साल से जो है सभासद मुन्ना रहा जो है, तो उसके काम बोल रहा है, वो शहर के किसी भी कोने से अगर कोई भी काम आता था उसका काम करता था जाए, और ये शिवम भी उसी परिपेक्ष्य है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है सभी वार्डों का। ऐसा समर्थन
किस वजह से मिल रहा है अपना पहले तो नाम बताओ। डॉक्टर ओमवीर सिंह। तो इतना समर्थन क्यों मिल रहा है शिवम को यहाँ? काम किया है उन्होंने, पहले भी किया, ये भी बच्चा बहुत काम कर रहा है। आकस्मिक निधन हो गया था वीरेंद्र कुमार का, उसके बावजूद इसने बहुत अच्छे से संभाल रखा था, सबकी सेवा की है, सबके घर घर जाकर जो उनके दुख में सुख में शामिल रहा, और जो भी किसी की समस्या होती उसे यहीं सोल्व कर देता था। रसीद अपने आप कटवा के लाना, टैक्स वैक्स, इतना बहुत इतनी मेहनत की है कि शायद कोई नहीं करे। इस वार्ड में लगभग आमने सामने का ही चुनाव है, शिवम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे है, और उसमें भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट शिवम को मिल रही है यहाँ पे, तो कैसा चुनावी माहौल आप यहाँ पे देख रहे हैं? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र राठी। माहौल तो ये नहीं कह सकते हम कि 80-20, हम कहते हैं कि इलेक्शन इलेक्शन होता है, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह ही लेंगे हम। जीत तो हमारी सुनिश्चित है, कितनी हम बढ़ा सकते हैं कितनी नहीं बढ़ा सकते ये हमारे ऊपर काम के ऊपर, और इनके पिताजी के साथ हम काफ़ी दिनों से रहे हैं तो हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, और हम कितना लोगों को करके देते हैं और आगे उम्मीद हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यवहार का चुनाव हो रहा है यहाँ? बिल्कुल व्यवहार का चुनाव है, संबंधों का चुनाव है, काम का चुनाव है, सारी चीज़ें हमारी साथ हैं और सब लोग जानते भी हैं, पूरे वार्ड इस बात को जानता भी है, इसीलिए पूर्ण बहुमत छोड़ो 80-20 मैं नहीं कहूँगा, अति उत्साहित तो होना चाहिए, हमें मेहनत करनी है और जहाँ तक एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं वहीं तक हमें इलेक्शन में पहुँचाना है और जीतेंगे 100%, ये जीत तो हमारी निश्चित है। अंतर ही देखना है बस अंतर देखना है, खाली यही देखना रह गया है, और वो इलेक्शन के बाद पता भी लग जाएगा। और जहाँ तक बात है निर्दलीय होने का, उसका भी हमें लाभ मिला है, बहुत लाभ मिला है निर्दलीय होने का। पार्टी विशेष का होते थे फिर ये कि भाई वो नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, वो फलानी जुड़ेगा, लेकिन अब सब लोग जुड़ गए हैं और इलेक्शन तो एक तरफ हो गया एक तरह से। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व प्रधान है भिंडावली के जितेंद्र जी, क्या माहौल है यहाँ इस वार्ड में? माहौल बहुत अच्छा है, इनके कार्य को देख कर, इनके पिछले इनके पिताजी मुन्ना सभासद रहे हैं नगर पालिका के, चर्चित हो रहे हैं काफ़ी, पूरे शहर की अन्य वार्डों की सेवा करते थे, और बहुत ही अच्छा है, रिकॉर्ड मतों से विजयी होगा शिवम। हाँ, रिकॉर्ड मतों से पक्का? बिल्कुल पक्का, विश्वास के साथ गारंटी है, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। हाँ, कुछ और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ में, रिटायर्ड कानून को तेजवीर सिंह जी हैं, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं तेजवीर सिंह जी? आप माहौल तो आप भी जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, मीडिया वाले, वो भी बहुत अच्छे तरह से हमसे, क्योंकि हम तो जिससे जुड़े हैं वो है, लेकिन आप निष्पक्ष देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि इस वार्ड में तो सिवा शिवम के और कोई जो है उनकी टक्कर पर नहीं है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की बीजेपी से, उन्होंने टिकट को मने कर दिया, जबरदस्ती टिकट दिया गया है एक आदमी को, तो यही इस बात का प्रतीक है कि यहाँ उसके सिवा उसके मुकाबला किसी से नहीं है। और वो उसके उनके पिताजी के द्वारा जो एक इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाया गया, उनकी डेथ के बाद जो उनका काम उन्होंने देखा, तो लोगों में मुन्ना भाई से भी ज़्यादा विश्वास शिवम में लोगों को दिखाई दिया कि मुन्ना भाई कहीं कहीं कभी कभी गर्म भी हो जाते, दूसरी तरह भी बात कर सकते थे, लेकिन उस आदमी में सिवा झुकने के, सम्मान करने के वार्ड की जनता के, और जो मुन्ना भाई नगर पालिका में काम कराते थे उससे भी, चूँकि वो बुजुर्ग थे वो नए हैं तो उनके अंदर उससे भी ज़्यादा जोश है। और निश्चित रूप से यहाँ पे आप देखते होंगे जो हमने वो निर्दलीय लड़ते हैं उसका ये लाभ है कि आज आप देख रहे होंगे कि ऊपर स्तर पर सभी पार्टियों के लोग, चाहे कोई भाजपा समर्थित हो, लोकदल हो, किसी अन्य पार्टी समर्थित हो, उसके समर्थन में सब लोग सभासदी के लिए उसके साथ हैं, और निश्चित रूप से जीत होगी। मुन्ना एक ऐसा नाम था नगर पालिका में जिसने जो है निर्दलीय होते हुए अपने मानक स्थापित नगर पालिका में किए थे। कोई विवाद नगर पालिका में चेयरमैन के साथ और मेंबरों के साथ हो जा तो शक्ति रखते थे, पूरा बोर्ड उनकी तरफ देखता था कि मुन्ना ही एक ऐसे शख्स है जो इस चीज़ को निपटारा कर सकता है। तो इस वार्ड के लोगों ने निर्णय लिया है कि उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए उसी स्तर पर
जो मानक उन्होंने स्थापित किए थे उनसे ऊपर शुभम लेकर जाए, इसलिए सभी ने निर्णय लिया है कि उसके नाम को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो उसके नाम को बढ़ाते हुए ऊपर ले जाए, इसलिए सब उसके साथ। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। अंकल जी क्या शुभ नाम है आपका? शरणबीर सिंह तोमर। तो ये ऐसा एक तरफा माहौल क्यों दिख रहा है आप यहाँ वार्ड 42 में? अमरीश भाई आपसे रोज कंपनी बाग में चर्चा होती है और आप चलो आपका ISB चैनल का जय स्वागत है। आप जो है हमारे चुनाव के बीच में आए हैं, बहुत ही बड़ा उत्साह है। पहली बात तो यह है कि जिस BJP वालों ने इसके सामने कैंडिडेट खड़ा करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 55 वार्ड हैं यहाँ पर, 45 में खड़े करे हैं, 10 में उन्होंने नहीं खड़े करे हैं, एक वार्ड ये भी रह जाता है। जब सबको पता है कि जीत इसकी पक्की है, 100% जीत है, और तो BJP वाले का बेटा है, सभी पार्टी का बेटा है, सबका इसको प्यार मिला है। यहाँ जितने बैठे हैं BJP के भी हैं, दो चार जो है सभी पार्टी के लोग हैं, इसमें इसकी जीत निश्चित है। इसके मुन्ना से भी ज़्यादा काम इस लड़के ने करा है। एक बहुत पुरानी बात है, जब यह है पुरानी कटार सिंह का लड़का एक्सपायर हो गया था, इन्होंने अपने आप ही कागज लिया, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा कर नगर पालिका से उसके घर पहुंचाया। किसी के हाउस टैक्स वाटर टैक्स की रसीद घर पहुंचाता है, जो है लोग पूछे वहाँ जाकर भाई हमारा वाटर टैक्स जमा हो गया, रसीद उसके घर पहुंच जाती। इससे बढ़िया कैंडिडेट और कौन रहेगा? जो है इतनी वोटर जिताएंगे इससे जो है कि प्रशासन इसे नगर पालिका मेम्बरों को मजबूर हो जाएगा, इसे उपाध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हैं जो है। और अगला चुनाव अगर ये स्पीड से रहा तो चेयरमैन का चुनाव लड़ाएंगे, निर्दलीय लड़ाएंगे जो है। सबसे बुजुर्ग शायद आप ही होंगे यहाँ पे, ताऊ जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह एडवोकेट। तो किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं ताऊ जी? आप माहौल 95% वोट इसके हैं और लेफ्ट के छोट पे हैं जो गाँव वाले काग रहे हैं। यहाँ के मेरे ख्याल में 98% वकील जो से इसके साथ है सब। वो जमानत जब्त होगी इसकी लिख लो, पहले जो कैंडिडेट है ना, जमानत जब्त होगी लिख लो, नेपाल सिंह एडवोकेट कह रहा है लिख लो और बता दियो। 95% वोट है इसकी, 55 वार्ड में सबसे भारी जीत इस लड़के की होगी 55 में। या तो फिलहाल मुझे कोई ऐसा भी नहीं दिख रहा जो शर्त लगा ले आपसे। आप ही लगा लो, आपके साथ ही लगा लूँगा, जो मर्जी माँ उतने लगा लो। तो मुन्ना का जब सबसे पहले लड़के का लड़ा चुनाव, तब से लड़ा रहे हम, आज तक कभी हार तो इनकी हुई नहीं और ना क्या हारने वाला होगा। सबसे पहला चुनाव हमने लड़ा इनका, इसकी मम्मी का लड़ा पहले। इनके जो समर्थक है उनके मन में तो ये पूरा विश्वास है कि चुनाव एक तरफा है और विजय श्री इन्हें हासिल होने जा रही है, 7वीं जीत ये इस परिवार की हो सकती है अगर मतदाताओं का सहयोग समर्थन इन्हें इसी प्रकार मिला जिस प्रकार मिल रहा है।